सब्सक्राइब कीजिए इंडियन रसोई चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ये बिल्कुल ही फ्री है। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंडियन रसोई चैनल में। हमारी आज की रेसिपी है पनीर परोठा। पनीर परोठा बनाना बहुत ही आसान है और खाने को बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो चलिए दोस्तों, आप पनीर परोठा यह रेसिपी सीखते। पनीर परोठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है 250 ग्राम। अभी हम इसे एक बाउल में डालते हैं। के बाद नमक एक चम्मच, कुकिंग ऑयल एक चम्मच। अभी हम इसका आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती हूँ और इसका मुलायम आटा हम गूंद लेते हैं। इस तरह से मैंने आटा गूंद लिया है। अभी हम इसके ऊपर एक चम्मच तेल डालते हैं और इसे चिकना कर लेते हैं और इसे फिर एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से मैंने मुलायम आटा गूंद लिया है। अभी हम इसे ढककर एक 20 मिनट के लिए रख देते हैं। यहाँ पर मैंने पनीर के स्टफिंग के लिए पनीर लिया है 200 ग्राम, अदरक इसे मैंने बारीक कट किया है, अमचूर पाउडर आधा चम्मच, कटा हुआ हरा धनिया, धनिया पाउडर एक चम्मच, मिर्च पाउडर एक चम्मच, गरम मसाला एक चम्मच और पराठे के लिए लगाने के लिए देसी घी। सबसे पहले हम पनीर को हाथों से इस तरह से बारीक करेंगे। इस तरह से मैंने पनीर को हाथों से अच्छे से बारीक किया है। अभी हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। गरम मसाला एक चम्मच, कटा हुआ अदरक, अमचूर पाउडर, कटा हुआ हरा धनिया, धनिया पाउडर एक चम्मच, मिर्च पाउडर एक चम्मच, आप आपके स्वादानुसार ले सकते हैं, नमक स्वादानुसार। अभी हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स किया है। अभी हम इसे साइड में रख लेते हैं। हमारा आटा भी रेस्ट हो चुका है, हमने इसे 20 मिनट के लिए रखा था। अभी हम इसे फिर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आटा भी रेडी हो चुका है और स्टफिंग भी। अभी हम पराठा बेलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक तवा लिया है और गैस का फ्लेम हम मीडियम करते हैं। इस तरह से मैंने गोला लिया है। अभी हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से और इसे हम सूखे आटे में लपेट लेंगे। यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है और इसे हम पूरी के आकार में पहले बेल लेते हैं। अभी हम इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। और इसे हम सब साइड से अच्छे से बंद कर लेते हैं। ऊपर से भी हम इसे इस तरह से बंद करेंगे। और इसे हम इस तरह से प्रेस कर लेते हैं और हम इसे फिर एक बार सूखे आटे में लपेट लेते हैं और इसका हम पराठा बेलेंगे थोड़ा बड़े साइज में।
तरह से मैंने पराठा को बेल लिया है थोड़ा मोटा साइज में। अभी हम तवे के ऊपर घी डालते हैं। आप घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बटर का। एक आधा चम्मच हम घी डालेंगे और घी को हम सब साइड से अच्छे से फैला देंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम किया है। अभी हम पराठे को तवे के ऊपर डालेंगे और इसे हम दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। अभी हम इसे पलट लेते हैं और इसे घी लगा लेते हैं। इस तरह से हम इसे चम्मच से अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से सेक जाए अंदर से भी, और इसे हम दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे मीडियम हीट पर। अभी हम इसे पलट लेते हैं और दूसरे साइड से भी हम इसे अच्छे से घी लगा लेते हैं। इस तरह से हम इसे प्रेस करेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। इस तरह से मैंने पराठे को दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक सेक लिया है मीडियम हीट पर। अभी ये हो चुका है और इसी तरह से हम बाकी के भी पराठे बना लेते हैं। अभी हम इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने सारे पराठे बना लिए। आप इसे दही के साथ खा सकते हैं, सॉस के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।